अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं मलाई भिंडी। ये भिंडी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये शुरू करते हैं, मज़ेदार भिंडी कैसे बनाया जाता है। चूल्हे को मैंने जला लिया। 3 चम्मच मलाई डाल लेंगे। मलाई को 1 मिनट तक पका लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके ना 1 मिनट तक पका लेना मलाई को। मलाई को 1 मिनट तक मैंने पका लिया। बारीक कटे हुए प्याज डाल लेंगे। 5-6 सब्ज़ी मिर्च डाल लेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर डाल लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने इतनी सी भिंडियाँ ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा मलाई भी डाल सकते हैं। भिंडी डाल लेंगे। भिंडी डाल के भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया। आधी छोटी चमची नमक डाल लेंगे। नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा साबुत धनिया। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, मलाई से ही बनाना है सालन को। मलाई वाली भिंडी बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी एक बार बना के देखें। ऐसे इसे चम्मच चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तीन मिनट तक मैंने इसे पका लिया, अच्छी तरह भून लिया 3 मिनट तक। अब इसे हल्की सी आंच पर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मलाई भिंडी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी एक बार बना के देखें, ये बहुत ही अच्छी बनती है। भिंडी का सालन हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मलाई भिंडी का सालन हमारा बहुत ही अच्छा बना है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।